Good morning. In the previous class, we have discussed about effective number of atom, and let us see some question based on this. So, first one. First question होगा. If A present at corner and B present at body center. तो यहां आपको मालूम करना है फाइंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, फाइंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा. पहला अपने पास है कि ए कॉर्नर पे है, बी बॉडी सेंटर पे है, आपको बताया था लास्ट क्लास में. अगर कॉर्नर पे होगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा. कितना कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर होगा, 8 इंटू 1/8 हो जाएगा, दिस इज एक एटम होगा. बी का कितना एटम होगा, यूनिट सेल के अंदर है ना, तो बॉडी सेंटर तो एक ही होगा और पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा. तो रेशियो क्या होगा ए और बी का, तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ बी का रेशियो अगर देखें हम तो 1/1 का रेशियो होगा. मतलब फॉर्मूला क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा. यहाँ सिंपल रेशियो देख लो, 1:1 का है, ठीक है. तो दिस इज फार्मूला, ये तो पहला हो गया. सेकंड अगर पूछे यहाँ पर आपको हम फाइंड फार्मूला, सेम क्वेश्चन है. इफ अगर ए प्रेजेंट अपना कॉर्नर पे है और बी प्रेजेंट है अपना फेस सेंटर पे, तो फार्मूला क्या होगा. फिर से ए निकालो आप, कितना होगा नंबर ऑफ ए, कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8 होगा, मतलब 1 हो गया. कितना बी होगा, तो 6 अपने पास फेस होगा तो 6 फेस सेंटर भी होगा. कंट्रीब्यूशन हाफ होगा तो दिस इज इक्वल टू 3 आएगा. रेशियो क्या आएगा, तो नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ बी का रेशियो 1/3 आएगा. मतलब फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा ए बी 3, दिस इज द फार्मूला. अब यहाँ हम देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन अपने पास है ना. थर्ड क्वेश्चन होगा, सपोज ए प्रेजेंट अपने पास कॉर्नर पे है और बी प्रेजेंट है अपना फेस सेंटर पे, तो आपको बताना ये है कि फाइंड फॉर्मूला इफ एटम फ्रॉम वन कॉर्नर इज रिमूव्ड. किसी एक कॉर्नर से अगर एक एटम मिसिंग है, रिमूव्ड है ना, तो फार्मूला क्या होगा उसको देखना है. तो बताओ आप ए का नंबर कितना होगा, पहले कॉर्नर पे था, 8 कॉर्नर पे था, लेकिन एक कॉर्नर से हटा दिया गया है तो अब केवल 7 होगा और 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, तो 7/8 हो गया. बी का नंबर तो चेंज हुआ नहीं है, ये अपना फेस सेंटर पे है, तो 6 होगा इंटू 1/2 होगा, मतलब 3 होगा. सिंपल रेशियो क्या होगा, तो रेशियो इसका निकालिए, तो इसका रेशियो हो जाएगा 7/8 और 1/3 है, तो दिस इज 7/24, मतलब ए 7 होगा और बी होगा 24. दिस इज आवर फार्मूला. इसी का बी अगर पार्ट हम बोले, इसी का बी पार्ट कि अगर मान लो फाइंड फार्मूला इफ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड, हटा दिया गया, ठीक है. तो आप बताओ कि बॉडी डायगोनल पास कहाँ से होगा, तो ये पास होगा टू कॉर्नर से और एक अपना बॉडी सेंटर का जो पोजीशन है, तो ये पास होता कहाँ से है, ये पास होता है ये सब लोकेशन से है ना. ओके, तो अगर यहाँ बात करें हम नंबर ऑफ ए कितना होगा, तो चूंकि दो कॉर्नर से पास होने वाला है बॉडी डायगोनल है ना, तो दो कॉर्नर में कौन बैठा था, ए बैठा था, तो ए का नंबर पहले 8 था अब 6 हो जाएगा
और बी का नंबर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि अपना फेस सेंटर पे था और फेस सेंटर से तो पास होगा नहीं क्योंकि बॉडी डायगोनल, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये अपना 3 होगा और ये 3/4 होगा। तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा इसका, इसका रेशियो निकालो आप, तो दिस इज़ 3/4 होगा इंटू 1/3 होगा, दिस इज़ 1/4 आएगा, मतलब फार्मूला क्या होगा, AB4 होगा फार्मूला। ओके, एक क्वेश्चन और है, इसको ज़रा सॉल्व करो आप, क्या होगा क्वेश्चन अपने पास इस तरह से है, फाइंड फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इफ ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर एंड बी इज प्रेजेंट एट एज सेंटर, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, तो बताना है आपको फार्मूला क्या होगा। तो सिंपल सा है, अगर अपने पास एक क्यूब है, ये हम बता चुके हैं आपको, एक क्यूब में कितना कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर होगा, कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, प्लस कितना फेस सेंटर होगा, 6 होगा, कंट्रीब्यूशन 1/2 कितना आएगा, 1+3 = 4 आ गया। कितना बी होगा, बी कहाँ प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है अपना एज सेंटर पे, कितना एज सेंटर होता है क्यूब में, 12 एज सेंटर होगा, कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, बॉडी सेंटर 1 होगा, कंट्रीब्यूशन 1 होगा, तो दिस इज 3+1 = 4 होगा। तो सिंपल रेशियो क्या आएगा, 1/1 आएगा, मतलब रेशियो अगर निकाले हम ए और बी का, तो रेशियो आएगा 1/1, कट जाएगा 4/4, तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ए बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ये पूछा जाए आपको कि सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, सपोज ये अपना फर्स्ट पार्ट था, अगर सेकंड पार्ट यहाँ बोला जाए आपको, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, इफ एटम्स फ्रॉम वन कॉर्नर इज रिमूव्ड तो फार्मूला क्या होगा जी, तो बताओ अब इसमें ए का नंबर कितना हो जाएगा, कॉर्नर पे था तो एक कॉर्नर से हटा दिए हैं तो 7 रह जाएगा और बाकी तो कोई चेंज होगा नहीं, अपने पास कॉर्नर पे था, फेस सेंटर पे था, फेस सेंटर 6/1/2 तो दिस इज कितना आएगा, 7/8 होगा, प्लस ये 3 हो गया, इसको सॉल्व कर ही लो पूरा, दिस इज 7+24/8 हो जाएगा, तो दिस वन इज 31/8 हो जाएगा। बी का संख्या कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि बी अपना प्रेजेंट था एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, वहाँ तो चेंज कुछ हो नहीं रहा है, तो जो 4 आया था 4 ही होगा। तो देखो अब सिंपल रेशियो क्या आएगा इसका, तो इसका सिंपल रेशियो हो जाएगा, दिस वन इज, दिस इज 31/8 होगा इंटू 1/4 होगा, सो दिस वन इज 31/32, मतलब फार्मूला क्या होगा, ए होगा 31, बी होगा 32। इसी का एक और पार्ट देख लेते, देखिए अगर यहाँ ये बोला जाए, इफ एटम्स फ्रॉम वन एज आर रिमूव्ड, तो आप बताओ एक एज में कौन कौन सा एटम होगा, ये अपना एक फेस हो गया, एज में कॉर्नर पे कौन था, कॉर्नर पे ए था, यहाँ भी ए बैठा था, सेंटर पे एज सेंटर पे कौन बैठा था, तो बी था, तो एक एज से एटम को हटा दोगे आप तो ए का 2 कम हो जाएगा, बी का 1 कम हो जाएगा, तो बताओ ये कितना रहेगा, पहले अपने पास कॉर्नर 8 कॉर्नर था, अब 2 कॉर्नर से हट गया तो 6 ही रहेगा, 1/8 हो जाएगा, प्लस फेस सेंटर पे तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो दिस वन इज कितना आएगा, वी कैन सॉल्व हियर, दिस इज 3/4 + 3 आएगा, दिस इज 15/4 आएगा। बी कितना होगा देख लो, तो बी बैठा था एज सेंटर पे, 12 एज सेंटर था, लेकिन अब एक जगह से हटा दिए तो 11, 1/4 होगा, प्लस बॉडी सेंटर पे 1 होगा, कितना आ गया, 15/4, तो दोनों का सेम ही नंबर है, तो सिंपल रेशियो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे मतलब, तो दोनों का अगर हम रेशियो लेते क्या आएगा, A/B का रेशियो कितना आएगा, 1:1 का आएगा, मतलब फार्मूला क्या होगा, AB होगा।
तो इस तरह क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है कि एटम हटा दिया गया फ्रॉम वन एज, फ्रॉम वन फेस डायगोनल, है ना, फ्रॉम वन बॉडी डायगोनल, तो फॉर्मूला क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा, आप उसको आसानी से बना सकते हो अगर आपको क्लियर होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम।